हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीति रेसिपीज ब्लॉग्स। तो आज मैं आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट के बारे में बताऊंगी कि आप कौन से हेल्दी ब्रेकफास्ट ले सकते हैं अपने नाश्ते में। तो हेल्दी रेसिपीज मैं इसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। समय की कमी के कारण लोग जंक फूड का सेवन करते हैं और ये बीमारी का कारण बनते जा रहा है। आजकल की इस भाग दौड़ और तनाव भरी जिंदगी में लोग अपने हेल्थ की फिक्र करना तो छोड़ ही दिए हैं। बस जो मिलता है वो खाकर ऑफिस चले जाते हैं और अपना शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और जंक फूड का सेवन करते हैं और बस बीमारी का वो कारण बनता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो कम समय में भी आप खुद को हेल्दी रख सकते हैं। इस कैटेगरी में हम आपको ऐसी रेसिपीज के बारे में बता रहे हैं जिसे बनाने में केवल 10 मिनट ही लगेगा। तो आप हेल्दी फूड के विकल्प के लिए अधिक समय नहीं बल्कि केवल 10 मिनट दें और खुद को फिट रखें। इस कैटेगरी में विभिन्न तरह के सलाद, डेजर्ट, ब्रेकफास्ट आदि के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। तो कृपया मेरे इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप एक हेल्दी नाश्ता रोज कर सकें। दिल को स्वस्थ रखने के लिए आपका अच्छा भोजन लेना सबसे जरूरी होता है। तो आइए हम दिल को मजबूत और स्वस्थ बनाने वाली हेल्दी रेसिपीज के बारे में जानते हैं। आज इस आर्टिकल के माध्यम से मैं आपको दिन का हेल्दी शुरुआत के लिए बहुत सारी ऐसी रेसिपीज बताने जा रही हूँ जिसे आप लेकर एकदम हेल्दी रह सकते हैं। फाइबर से भरपूर ओट्स इडली खाने में बहुत टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप सोकर उठें तो उठने के बाद गुनगुना पानी लें। गुनगुना पानी लेने के बाद थोड़ा सा योगासन करें। उसके बाद आप जब आपका ब्रेकफास्ट का टाइम होता है तो उससे एक घंटा पहले भीगे हुए बादाम को छिलकर लें। उसके बाद आपका नाश्ता का जब टाइम होता है तो नाश्ता आप बहुत तरह से ले सकते हैं। जैसे सूजी का हलवा ले सकते हैं जिसमें मीठा कम हो। आप ओट्स ले सकते हैं, जैसे ओट्स के छिलके बना सकते हैं, ओट्स का चिल्ला बना सकते हैं, ओट्स दूध में भिगाकर खा सकते हैं, ओट्स की इडली बना सकते हैं। फिर सूजी को भी आप बहुत तरह से ले सकते हैं। सूजी का चिल्ला भी बना सकते हैं, सूजी का हलवा बना सकते हैं, सूजी की इडली बना सकते हैं, पोहा ले सकते हैं आप। जैसे मैंने चूड़ा का वेज पोहा आज बनाया था, तो वैसे ही आप चूड़ा का वेज पोहा बना सकते हैं सारी सब्जियों को मिक्स करके। फिर आप कभी नाश्ते में अपना चूड़ा और दही ले सकते हैं और चीनी के जगह आप उसमें गुड़ डाल सकते हैं, उसमें बनाना डाल सकते हैं। तो इस तरह से चूड़ा दही का एक मिक्सचर बनाकर आप अपने नाश्ते में ले सकते हैं। फिर दूसरे दिन आपको लगेगा कि मैं आज क्या नाश्ता बनाऊँ, तो आप इडली बना सकते हैं, उपमा बना सकते हैं। सूजी का उपमा बनाया जाता है, उसमें भी सारी सब्जियों को, हरी हरी सब्जियों को छोटे छोटे पीसेस में काटकर आप उपमा बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं। उसके बाद आप चने को भिगाकर रात में रख दें। चना को भिगाकर जब रात में रखेंगे आप, तो सुबह आप जैसे ही आप अपने योगासन करके उठेंगे तो उसके 10 मिनट के बाद आप भीगे हुए चने खा सकते हैं या फिर आप उसका स्प्राउट्स बना सकते हैं। जैसे चना जब भीग जाए तो उसे उसका पानी पूरा निथार कर एक कपड़े में, सूती कपड़े में बांध कर उसे रख दें एक दिन के लिए। और दूसरे दिन जब वो स्प्राउट्स हो जाएंगे उनके, तो आप उसे गुड़ के साथ लेकर खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है। तो इस तरह से आप चना ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं। उसके बाद आप जैसे मैंने बताया था ओट्स ले सकते हैं। फिर चिल्ला भी बहुत टाइप का होता है, जैसे चावल दाल का चिल्ला ले सकते हैं, आटे का चिल्ला ले सकते हैं, बेसन का ले सकते हैं, सूजी और पनीर का ले सकते हैं। मैंने इसके लिए मैंने पहले वीडियो भी बना चुका है, आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। फिर आप दही ले सकते हैं नाश्ते में, जूस ले सकते हैं। दही का टाइमिंग होगा आपका नाश्ते के बाद, आप एक कटोरी दही लें और दही में चीनी के जगह आप गुड़ ले सकते हैं। उसके बाद आप जूस ले सकते हैं, रोज़ प्रतिदिन आप जूस पिए और जूस घर पर ही निकाल कर पिए। डब्बा बंद जूस को ना लें, घर पर फ्रेश जूस निकाल कर पिए। इस तरह से आप नाश्ता ले सकते हैं। फिर आप सप्ताह में एक दिन आप टोस्ट ले सकते हैं। ब्रेड खाना तो ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन सप्ताह में एक दिन आप टोस्ट ले सकते हैं। फिर आप पैनकेक्स बना सकते हैं घर में, जैसे आटे का और केले का मिक्स करके आप पैनकेक बनाकर खा सकते हैं। उसके बाद आप कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं। बच्चों को भी अपने नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स दे दूध के साथ, उसमें किशमिश डाल दे
थोड़ा काजू डाल दें, बादाम डाल दें, उसे क्रश करके और उसमें बनाना को छोटे छोटे पीसेस में काट कर एक कप दूध मिलाकर कॉर्नफ्लेक्स आप बनाएं और बच्चों को रोज कॉर्नफ्लेक्स। फिर बच्चों को आप तरह तरह की फ्रूट्स जो होती है, कलरफुल फ्रूट्स होती है, ताजे ताजे फल पीसेस में काट कर बच्चों को दे सकते हैं। और आप रोज इस तरह का ब्रेकफास्ट अगर लेते हैं तो आप एकदम हेल्दी रहेंगे, एकदम फिट रहेंगे और अपने बॉडी को मेंटेन कर पाएंगे। तो इस तरह से अपने बच्चों की भी डाइट को इसी तरह से रखें और रोज हेल्दी ब्रेकफास्ट लें। और आप जैसा कि आप अगर पूछेंगे कि हमें पराठा पूरी अगर नहीं लेना है तो क्या हम कभी नहीं ले सकते, तो मैं बोलूँगी कि नहीं, वीकली आप एक बार पराठा या पूरी बना सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हेल्दी ट्राई करें अपने नाश्ते में और इस तरह से फिट रहें। तो कृपया आप अपने बॉडी को इसी तरह से मेंटेन रखें, हेल्दी नाश्ता करें, अपने बॉडी पर ध्यान दें, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।